आपका पहला सवाल है, निम्न में से किस पशु की सबसे लंबी पूंछ होती है? आपका ऑप्शन है ए जिराफ, बी हाथी, सी हिरन, डी भालू। आपका सही जवाब होगा ए जिराफ। आपका दूसरा सवाल है, रोटी में घी लगाकर खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी शुगर, सी हार्ट अटैक, डी ब्लड प्रेशर। आपका सही जवाब होगा सी हार्ट अटैक। आपका तीसरा सवाल है, बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी डॉट बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। आपका सही जवाब होगा सी भारतीय रिजर्व बैंक। आपका चौथा सवाल है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता मीनारा, डी शहीद मीनार। आपका सही जवाब होगा बी कुतुब मीनार। आपका पांचवा सवाल है, ऊंट के व्यापार के लिए कौन सा वार्षिक मेला प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए सोनपुर मेला, बी कुंभ मेला, सी सूरजकुंड मेला, डी पुष्कर मेला। आपका सही जवाब होगा डी पुष्कर मेला। साथियों, रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका छठा सवाल है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी नर्मदा, सी यमुना, डी गंडक। आपका सही जवाब होगा सी यमुना। आपका सातवां सवाल है, किस देश में जॉगिंग करना बैन है? आपका ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी बुरुंडी, डी अफ्रीका। आपका सही जवाब होगा सी बुरुंडी। आपका आठवां सवाल है, कुएं में गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए नशे में होना, बी अपमानित होना, सी धोखा खाना, डी विपत्ति में पड़ना। आपका सही जवाब होगा डी विपत्ति में पड़ना। आपका नौवां सवाल है, भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए मनमोहन सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी इंदिरा गांधी, डी अमित शाह। आपका सही जवाब होगा ए मनमोहन सिंह। आपका दसवां सवाल है, डेटॉल किस देश की कंपनी है? आपका ऑप्शन है ए भारत की, बी चीन की, सी इंग्लैंड की, डी अमेरिका की। आपका सही जवाब होगा सी इंग्लैंड की। साथियों, हम 10 प्रश्नों और उनके उत्तर हल कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका 11वां सवाल है, दिवाली में पटाखे जलाने की शुरुआत किस देश ने की थी? आपका ऑप्शन है ए जापान में, बी रूस में, सी चीन में, डी भारत में। आपका सही जवाब होगा सी चीन में। आपका 12वां सवाल है, ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं? आपका ऑप्शन है 110 कमरा, बी 120 कमरा, सी 130 कमरा, डी 150 कमरा। आपका सही जवाब होगा बी 120 कमरा।
आपका 13वां सवाल है, चंद्रमा तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? आपका ऑप्शन है ए डॉट 2 दिन, बी डॉट 3 दिन, सी डॉट 5 दिन, डी डॉट 8 दिन। आपका सही जवाब होगा डी डॉट 8 दिन। आपका 14वां सवाल है, किस डाल पर सांप हमेशा लिपटे रहते हैं? आपका ऑप्शन है ए केला, बी सेब, सी चंदन, डी सागवान। आपका सही जवाब होगा सी चंदन। आपका 15वां सवाल है, कौन सा जानवर पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? आपका ऑप्शन है ए बिल्ली, बी चूहा, सी डॉट घोड़ा, डी किंग कोबरा। आपका सही जवाब होगा डी किंग कोबरा। साथियों, रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका 16वां सवाल है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए न्यूटन ने, बी पीटर ने, सी थॉमसन, डी चार्ल्स बैबेज। आपका सही जवाब होगा बी पीटर ने। आपका 17वां सवाल है, किस देश में सूरज सबसे पहले डूबता है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी न्यूजीलैंड, सी नेपाल, डी श्रीलंका। आपका सही जवाब होगा बी न्यूजीलैंड। आपका 18वां सवाल है, पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए सम्मानित करना, बी अपमानित करना, सी जश्न मनाना, डी अफसोस करना। आपका सही जवाब होगा बी अपमानित करना। आपका 19वां सवाल है, बीपी लो होने पर कौन सा फल खाना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए केला, बी आम, सी कीवी, डी पपीता। आपका सही जवाब होगा ए केला। अब यह सवाल आपके लिए, आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? आपका ऑप्शन है अ 2 शेर, बी 3 शेर, सी 4 शेर, डी 5 शेर। आपका सही जवाब क्या होगा? आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।